UI13 के कई सारे नए वॉलपेपर हमें देखने को मिले हैं जो कि लाइव है और हमारे लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा खासा है जो इफ़ेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये सेम वॉलपेपर आप किसी भी रेडमी MI पोको या अदर एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर यूज कर सकते हो और इसे यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला और ये परफेक्टली है जो काम करेगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, चाहे वो हमारा लॉक स्क्रीन हो या फिर हमारा होम स्क्रीन हो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे इन वॉलपेपर का बेनिफिट ले सकते हो किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग अपडेट आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल सके, ताकि आप बेनिफिट ले पाओ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मेरे पास Realme का डिवाइस है और इसके अंदर भी सेम वॉलपेपर कलेक्शन में है जो अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ और आप किसी भी डिवाइस के अंदर यूज कर पाओगे। और इसे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा इस Redmi के Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर, जिसमें सब कुछ बिल्कुल ही सिंपल सा है। और इस वॉलपेपर को यूज करने के लिए जो कि 13 का वॉलपेपर है, दो फाइलों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला, आपको वॉलपेपर डाउनलोड करना होगा जिसका जिप फाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका साइज मे बी 400 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, जिसे आपको अनजिप करना है। आप सेम फाइल मैनेजर का यूज कर सकते हो या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का, जिसकी हेल्प से आप इसे अनजिप कर पाओगे। जैसे ये अनजिप होता है, आपको फोल्डर को ओपन करना है जिसमें कई सारे AP के नज़र आएंगे वॉलपेपर के, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इन सभी को आपको 1x1 करके अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, जिन भी वॉलपेपर को आप यूज करना चाहते हो। बाकी को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बस जो आपको अच्छा लगता है वो इंस्टॉल करो, बाकी को रहने दो या फिर सभी को इंस्टॉल करो। तो जैसे ही सभी वॉलपेपर इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको अपने प्ले स्टोर पर आना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि गूगल का वॉलपेपर है। आपको सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है प्ले स्टोर पे गूगल वॉलपेपर, ये APK आपके सामने नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पे कुछ परमिशन आपको देना होगा, उसके बाद स्वाइप डाउन करना है जहाँ पे सबसे लास्ट पे आपको दिखाई देगा लाइव वॉलपेपर, इसे आपको ओपन करना है। और जो भी वॉलपेपर आपने इंस्टॉल कर रखा है ना लाइव वाला, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो उसे आपको बस सिंपल सेलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है लॉक एंड होम स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही अप्लाई होगा, आपको ये दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन ये आपको वॉलपेपर लॉक स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता है। तो इसे फिक्स करने के लिए एक और स्टेप आपको फॉलो करना होगा। तो उसके लिए बस आपको अपने कैमरे को ओपन करना है, वीडियो के ऑप्शन पे जाना है और रेजुलेशन को आपको 1080p सेट कर लेना है। अब यहाँ पे ओनली 2 से 3 सेकेंड का आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद आपको वीडियो को रोक देना है। अब वापस होम पे आना है, गैलरी के ऊपर जाना है और जो वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है ना, उसे आपको ओपन करना है, मोर पे जाना है और सेट वीडियो वॉलपेपर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है होम एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर। जैसे आप इसे अप्लाई कर देते हो, आपको ये होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन पे नज़र आने लग जाएगा। तो जैसे ये वीडियो क्लिप अप्लाई होता है, आपको वापस अपने गूगल के वॉलपेपर एप्लीकेशन पे जाना है, ओपन करना है, लाइव के फोल्डर पे जाना है और जो वॉलपेपर चाहिए उसे आपको ब्राउज करना है। ठीक है, तो ये रहा, इसे सेलेक्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे कि ये होम स्क्रीन पे आ चुका है और सेम वॉलपेपर आपको अब ये लॉक स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इन वॉलपेपर का बेनिफिट आप किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर यूज कर सकते हो और इसके लिए आपको रूट वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे Realme वाले फ़ोन के अंदर यूज कर पा रहा हूँ और यहाँ पे 12.5 वाले डिवाइस के अंदर भी है जो यूज कर पा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप ये वॉलपेपर यूज करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस वीडियो को मेथड को फॉलो करते हुए आप यूज कर पाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से। मैं मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।